नमस्ते, आज मैं आपके साथ बहुत ही फटाफट बन जाए और घर पर सभी को पसंद आए ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो देखते हमारी रेसिपी, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। जो आप स्ट्रॉबेरी क्रश देख रहे हो, इसे हमने आसानी से घर पर बनाया है। मार्केट में बहुत ही अच्छी स्ट्रॉबेरी मिल रही है, तो क्यों ना इसका हम बहुत अच्छे से उपयोग कर ले। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी कटोरी या वाटी से आप 4 कटोरी स्ट्रॉबेरी के टुकड़े ले सकते हो। स्ट्रॉबेरी को अच्छे से धोकर हमने सूखा कर लिया और उसे रफली कट कर लिया है। जितना हमारे पास स्ट्रॉबेरी है उसका आधा हमने यहाँ पर खड़ी शक्कर को कूट के उसका पाउडर कर लिया है, वो लिया है। आप यहाँ पर चीनी का भी उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें धीमी आँच पे खड़ी शक्कर और स्ट्रॉबेरी को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये खड़ी शक्कर का पाउडर जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप मीठापन थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हो। नॉर्मल चीनी लेते हो आप, तो आप यहाँ पर 3 कटोरी चीनी का उपयोग कर सकते हो। और देखिए, बातों ही बातों में हमारे जो खड़ी शक्कर है उसका अच्छे से पिघलना शुरू हो गया है और हमारी स्ट्रॉबेरी ने भी अपना कलर छोड़ दिया है पूरा। जैसे कि आप देख सकते हो कि ऐसे लाल कलर का पानी हो ना, सिरप हो, ऐसा इसका लुक आ रहा है। हमने कोई भी कलर या कोई भी एसेंस ऐड नहीं किया है, बस हमें इस तरह से धीमी आंच पर ही इसे पकाना है। करीब मान लीजिए हमें यहाँ पर 20 से 25 मिनट तक पकाना है और 5 मिनट हमें इसे ढक कर पका लेना है ताकि हमारी जो स्ट्रॉबेरी है वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद हमने एक बड़ी कटोरी भर के स्ट्रॉबेरी को पीस के उसका पल्प भी ऐड किया है। यहाँ पर इसका पल्प भी ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। पल्प को भी हमें है ना धीमी आंच पर उबलने देना है। आप देख सकते हो कि इसमें बबल्स आ रहे हैं। हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है, हमें यहाँ पर धीमी आंच पर ही सारी सामग्री को पका लेना है। हमने पहले 10 मिनट तक स्ट्रॉबेरी और खड़ी शक्कर को पकाया और अब जो है ना हमने जो क्रस्ट ऐड किया उसके साथ हमने 15 मिनट पका लिया है। टोटली हमने 25 मिनट यहाँ पर पका लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा टीस्पून से भी कम उतना साइट्रिक ऐड किया है, जिसे हम नींबू के सत्व भी कहते हैं या नींबू के फूल कहते हैं। ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाते हैं। कुछ चीनी के दाने होते हैं ना, उस तरह से ये दिखते हैं, आप देख ही सकते हो। और नींबू के सत्व डालने के बाद हमें 3 से 4 मिनट तक उबालना है। उसके बाद हमने इसे ठंडा कर दिया है। ना ये जैम की तरह है और ना ये एकदम पतला लिक्विड है, क्योंकि हमें इसको है ना फ्रिज में अगर स्टोर करना है तो आराम से 6 महीने स्टोर कर सकते। हमें इसके लिए कोई भी जो बॉटल में स्टोर करना है उसे पहले अच्छे से गर्म पानी में इस तरह से ट्रेलाइज कर लेना है ताकि ये लंबे समय तक बिगड़े ना। और आप चाहे तो यहाँ पर कोई प्लास्टिक का बॉटल का भी उपयोग कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से कांच की बॉटल में बहुत ज़्यादा ये सेफ होता है। कांच की बॉटल को हमें अच्छे से गर्म पानी में 2 से 3 मिनट तक धो लेना है। उसके बाद उसे सूखा कर लेना है। आराम से हम इसको आधे पौने घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बॉटल हमारी सूख जाएगी। और यहाँ पर तैयार है हमारा स्ट्रॉबेरी का क्रस्ट। यहाँ पर आप इसे फ्रिज में 6 महीने और डीप फ्रीजर में आप इसे पूरे 1.5 साल तक स्टोर कर सकते हो। मैं इस तरह से छोटी छोटी बोतल में इसे 6 से 7 महीने के लिए स्टोर करती हूँ। उसे है ना हमें निकालने से पहले सूखे चम्मच का ही उपयोग करना है और इसका ढक्कन हमें एकदम अच्छे से बंद करना है। पर हमने ये स्ट्रॉबेरी क्रस्ट तो बनाया, पर इसके लिए हम शरबत कैसे बनाएंगे? तो देखिए, हमने एक ग्लास में 1 चम्मच स्ट्रॉबेरी का क्रस्ट लिया है और यहाँ पर हम जो है चम्मच से जो हमारा ग्लास है उसमें इस तरह से फैलाते जा रहे हैं और ऊपर से हमने 1 ग्लास ठंडा ठंडा दूध ले लिया है। बस तो तैयार है हमारा एकदम झटपट वाला स्ट्रॉबेरी क्रस्ट। आप इसमें से बहुत सारी मिठाई भी बना सकते हो। और ग्लास का लुक देखिए, जैसे कोई रेस्टोरेंट में आपको सर्व किया जाता है ना, उस तरह का ही लुक आ रहा है ना, और एकदम परफेक्ट टेस्ट। तो आप ये रेसिपी जल्दी से ट्राई करिए और अपने घर पर सभी को खिलाइए और इसे लंबे समय तक स्टोर करके इसका एंजॉय कर सकते हो। और हमारी आने वाली रेसिपी है स्ट्रॉबेरी चीज केक आइसक्रीम, तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में दिख रही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जल्द मिलेंगे और नए वीडियो के साथ।